नेक्स्ट लेक्चर 56, इसमें थ्योरम है फाइनाइट ग्रुप जी इज निलपोटेंट इफ एंड ओनली इफ जी का जो ड्राइव सबको है वो कंटेन करेगा फ्रेटनी में। तो प्रूफ के लिए हम लोगों ने बेसिकली प्रूफ करना है कि जी निलपोटेंट इफ एंड ओनली इफ जी ड्राइव सब ग्रुप कंटेन इन फ्रेटनी सब ग्रुप ऑफ जी। तो सपोज करते हैं कि जी निलपोटेंट है, सपोज दैट जी इज निलपोटेंट। अब जी निलपोटेंट हमने सपोज किया, हमने प्रूव करना है कि जी जो का जो ड्राइव सब ग्रुप है वो फ्रेटनी के अंदर है। तो जी का ड्राइव सब ग्रुप फ्रेटनी के अंदर कब जाएगा, जब जी डैश जो है वो हर मैक्सिमल सब ग्रुप के अंदर जाएगा। वी नो दैट अब बेसिकली हमारा टारगेट है कि हमने जी डैश को कंटेन करवाना है एम के अंदर फॉर ऑल एम। तो जी डैश इंटरसेक्शन में भी जाएगा, तो दिस मीन्स दैट कि जी डैश जो है वो फ्रेटनी सब ग्रुप में होगा जी। अब यहाँ पे सबसे पहले लेट करते हैं, फिर लेट एम बी मैक्सिमल सब ग्रुप ऑफ जी। जी जो है एम जो है वो मैक्सिमल सब ग्रुप है जी का, वी नो दैट। अब मैक्सिमल जो है सब ग्रुप वो ऑलवेज प्रॉपर सब ग्रुप होता है क्योंकि वो जी के इक्वल कभी नहीं हो सकता। सो अगर एम जो है वो प्रॉपर सब ग्रुप है, वी नो दैट प्रॉपर सब ग्रुप ऑफ जी इज प्रॉपरली कंटेन्ड इन इट्स नॉर्मलाइजर दैट इज एम इज प्रॉपरली कंटेन्ड इन इट्स नॉर्मलाइजर। अब एम इसके नॉर्मलाइजर के अंदर कंटेन करता है और नॉर्मलाइजर जो है वो कंटेन करता है जी के अंदर। तो एम जो है वो मैक्सिमल सब ग्रुप था, तो मैक्सिमल सब ग्रुप के दरमियान में एक ऐसा सब ग्रुप आ गया जी और एम के दरमियान में, तो इसका मतलब है कि या तो ये दोनों इक्वल होंगे या ये दोनों इक्वल होंगे, लेकिन एम और नॉर्मलाइजर इक्वल नहीं हो सकते। तो दिस इम्प्लॉयज दैट कि नॉर्मलाइजर ऑफ एम इक्वल्स टू जी, दिस मीन्स दैट एम इज नॉर्मल इन जी, कि एम जो है वो जी में नॉर्मल है। अब अगर एम जी में नॉर्मल है तो एम मैक्सिमल सब ग्रुप था, जी में नॉर्मल है, सो जी ओवर एम इज वेल डिफाइंड, कि हम लोग जी ओवर एम डिफाइन कर सकते हैं। बेसिकली हम लोगों ने ये डिफाइन क्यों किया, क्योंकि हम लोग अब प्रूव कर देंगे जी ओवर एम को एबिलियन। तो जी ओवर एम अगर एबिलियन प्रूव होगा तो क्या होगा कि जी का जो ड्राइव सब है वो कंटेन करेगा एम के अंदर फॉर ऑल एम। तो अब जी ओवर एम को एबिलियन प्रूव करना है, तो हम लोग यहाँ पे क्लेम करते हैं, वी क्लेम दैट जी ओवर एम इज साइक्लिक ऑफ प्राइम ऑर्डर। देखिए हम लोग यहाँ पे क्लेम करते हैं कि जी ओवर एम का ऑर्डर जो है वो प्राइम है, फॉर इफ जी ओवर एम एज कंपोजिट ऑर्डर, अगर जी ओवर एम का ऑर्डर कंपोजिट हो देन बाय काशी थ्योरम। काशी थ्योरम कहता है कि फॉर सम प्राइम डिवाइजर पी ऑफ जी ओवर एम के ऑर्डर, कि जी ओवर एम के ऑर्डर को कोई प्राइम पी डिवाइड करता है देन पी ऑर्डर का एक सब ग्रुप जरूर होगा। देयर एग्जिस्ट अ सब ग्रुप एच ओवर एम ऑफ ऑर्डर पी, दैट इज एच ओवर एम का ऑर्डर होगा पी। अब एच ओवर एम का ऑर्डर पी मतलब ये प्रॉपर सब ग्रुप मिल गया। अब एच जो है वो इसका मतलब है प्रॉपर सब ग्रुप है जी का,
कंटेनिंग एम, सो एम इज कंटेन्ड इन एच एंड एच इज कंटेन्ड इन जी, एम इज कंटेन्ड इन एच एंड एच इज कंटेन्ड इन जी, कि एम एच के अंदर है, एच जी के अंदर है, जबकि हमने सपोज किया था कि एम जो है वो जी का मैक्सिमल सबग्रुप है. दिस इज द कंट्रडिक्शन ऑफ आवर सपोजिशन विच कंट्रडिक्ट्स द फैक्ट दैट, विच कंट्रडिक्ट्स द फैक्ट दैट एम इज मैक्सिमल, कि एम मैक्सिमल है. तो यहाँ पे हमारी सपोजिशन रॉन्ग हो गई. हमने जो सपोज किया था कि जी ओवर एम जो है, सो जी ओवर एम इज साइक्लिक ऑफ प्राइम ऑर्डर. हमने सपोज किया था कि अगर इसका ऑर्डर कंपोजिट है तो फिर क्या होगा, फिर कंट्रडिक्शन आ गई. इसका मतलब है जी ओवर एम का ऑर्डर जो है वो प्राइम है, सो जी ओवर एम जो है वो एबिलियन होगा, इज एबिलियन. अगर जी ओवर एम एबिलियन है, दिस इंप्लॉयज दैट जी का ड्राइव सबग्रुप कंटेन करेगा एम के अंदर. अगर जी का ड्राइव सबग्रुप एम है फॉर ऑल एम, एम ऑर्बिटरी था, दिस इंप्लॉयज दैट जी डैश कंटेन करेगा इंटरसेक्शन एम में, सो दिस इंप्लॉयज दैट जी डैश कंटेन्ड इन फ्रेटनी ऑफ जी. दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ अवर थ्योरम. अब हम लोग रिवर्स प्रोसेस करते हैं. रिवर्स प्रोसेस में हमने सपोज करना है कन्वर्सली, सपोज दैट जी डैश जो है वो कंटेन करता है फ्रेटनी ऑफ जी में. ये हमने सपोज किया तो इसका मतलब है कि जी डैश जो है वो तमाम मैक्सिमल्स की इंटरसेक्शन में आता है. हम लोगों ने बेसिकली प्रूव करना है जी इज़ निलपोटेंट. अब अगर जी को निलपोटेंट प्रूव करना है तो हमने जी को प्रूव करना है कि जी के तमाम जो हैं वो सब ग्रुप्स उसमें नॉर्मल हैं. वी हैव टू शो दैट we have to show that g is nilpotent. अब g अगर nilpotent प्रूव करना है तो इसके लिए हमने क्या सपोज करना है. फॉर दिस लेट p be any silo p subgroup of g, कि p जो है वो कोई साइलो पी सबग्रुप है जी का. लेट करते हैं कि नॉर्मलाइज जो है इज नॉर्मलाइजर ऑफ पी, कि एन जी ऑफ पी जो है वो पी का नॉर्मलाइजर है. अब हम लोगों ने प्रूव करना है बेसिकली कि जी निलपोटेंट है. जी निलपोटेंट प्रूव करने के लिए हम लोगों ने प्रूव करना है कि पी जो है साइलो पी सबग्रुप वो नॉर्मल है. To prove, we have to show that P is normal in G, that is normalizer of P equals to G. के normalizer हमने G के equal prove करना है. अब normalizer को G के equal prove करना है तो फिर से हम लोग opposite चलते हैं. On contrary, लेट करते हैं कि नॉर्मलाइजर जो है वो जी के इक्वल नहीं है. दिस मीन्स दैट नॉर्मलाइजर जो है वो पी के जी के अंदर कंटेन करेगा प्रॉपरली. अब नॉर्मलाइजर जो है वो प्रॉपर सबग्रुप है. कोई एम हम लोग मैक्सिमल सबग्रुप सपोज करते हैं तो अगर नॉर्मलाइजर जो है वो जी का प्रॉपर सबग्रुप है तो इसका मतलब है कि नॉर्मलाइजर किसी प्रॉपर सबग्रुप के मैक्सिमल के अंदर कंटेन करेगा और वो मैक्सिमल होगा जी के अंदर. तो यहाँ पे हम लोग इतनी बात करते हैं कि नॉर्मलाइजर जो है वो मैक्सिमल के अंदर कंटेन करेगा. अब सिंस जी का जो ड्राइव सबग्रुप है वो फ्रेटनी के अंदर है तो दिस इम्प्लॉयज दैट कि जी का जो ड्राइव सबग्रुप है वो है तमाम एम के अंदर, मींस इंटरसेक्शन एम में, मींस सब एम के अंदर फॉर ऑल एम. अगर जी डैश एम के अंदर है तो जी डैश जो है वो ऑलवेज नॉर्मल सबग्रुप. सो एम ओवर जी डैश जो है वो डिफाइन कर सकते हैं एम ओवर जी डैश इज नॉर्मल. जी तो यहाँ पे हमने बोला कि एम ओवर जी डैश इज नॉर्मल सबग्रुप ऑफ
जी ओवर जी डैश। हमने बोल दिया कि एम ओवर जी डैश जो है वो जी ओवर जी डैश का नॉर्मल सबग्रुप है। ये कैसे बोला हमने? क्योंकि जी ओवर जी डैश इज ऑलवेज अबिलियन, बिकॉज जी ओवर जी डैश इज ऑलवेज अबिलियन। कि ये बिलियन है, बिलियन का हर सब ग्रुप नॉर्मल होता है। सो एम ओवर जी डैश जो है वो जी ओवर जी डैश का नॉर्मल सब ग्रुप है। दिस इम्प्लॉयज दैट एम इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी कंटेनिंग जी डैश। अब अगर m नॉर्मल सब ग्रुप है, दिस इम्प्लॉयज दैट नॉर्मलाइजर ऑफ m जो है वो किसके इक्वल होगा? g के इक्वल होगा। दिस इज इक्वेशन वन। अब नॉर्मलाइजर ऑफ p कंटेन करता है m के अंदर, हमने अभी बात की कि नॉर्मलाइजर ऑफ g p जो है वो m के अंदर कंटेन करता है। तो अगर नॉर्मलाइजर ऑफ p m के अंदर है, वी नो दैट if a proper subgroup K contains normalizer of a silo P subgroup then K is its own normalizer। देखिए हमने हमें पता है कि अगर P जो है वो साइलो P सब ग्रुप है और नॉर्मलाइजर ऑफ P कंटेन करता है M में, अगर कोई सब ग्रुप किसी साइलो के नॉर्मलाइजर को अपने अंदर कंटेन करता हो तो उस सब ग्रुप का नॉर्मलाइजर वो खुद होगा। मीन्स कि नॉर्मलाइजर ऑफ एम जो है वो खुद एम होगा। अब नॉर्मलाइजर ऑफ एम जी के इक्वल है, नॉर्मलाइजर ऑफ एम एम के इक्वल है। दिस इम्प्लॉयज दैट एम इक्वल टू जी। यहाँ से क्वेश्चन वन और टू से हमें मिल गया कि एम और जी इक्वल हैं, विच इज़ अ कंट्राडिक्शन। ये कंट्राडिक्शन है बिकॉज एम मैक्सिमल है और एम और जी इक्वल नहीं हो सकते। इसका मतलब है हमारी सपोजिशन रॉन्ग थी। हमने सपोज किया था कि नॉर्मलाइजर ऑफ पी जो है वो जी के इक्वल नहीं है। ये हमारी कंट्राडिक्शन सपोजिशन गलत थी। दिस इम्प्लॉयज दैट कि नॉर्मलाइजर ऑफ पी वो इक्वल होगा जी के। दिस इम्प्लॉयज दैट पी इज़ नॉर्मल इन जी। अब पी साइलो पी सब ग्रुप था और वो नॉर्मल है जी में, सो ऑल साइलो पी सब ग्रुप्स आर नॉर्मल इन जी। ठीक है, तो तमाम साइलो पी सब जी में नॉर्मल हो गए, सो जी कैन बी रिटन एज डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ साइलो पी सब। दिस इज अवर रिक्वायर्ड थ्योरम।